चाहे कोई भी डिपार्टमेंट्स हो, वो क्वालिफाइड होते हैं। आज जो प्रेजेंटेशन दी महफूज अली खान साहब से लेकर अभी मुजीब साहब तक, बेहतर तरीके से लाल जान साहब ने और वो मैडम ने जो अपने एक आगाही मुहिम भी शुरू किया हुआ है, मैं इतना कहूँगा कि देख लें, मैं कुछ बातें तजावीज़ दे सकता हूँ और वो तजावीज़ मेरे हद तक होगी। मैं हमेशा अपनी तकरीर में यही कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कहता हूँ वो सही होगा, क्योंकि मैं अपने ख्यालात के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक कुछ कहता हूँ और उसी पे आप लोगों से राय भी ले सकता हूँ और मेरे जो टेक्निकल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सही तरीके से बता सकते हैं। देखो, पे स्लिपी के हवाले से मैं मुख्तसरन इतना कहूँ कि आप सब ने बताया कि ये जो है इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट किस की तरफ से होती है? गवर्नमेंट की तरफ से। किस पे होती है? पब्लिक पे होती है। और वो लोग, उन लोगों से पूछा जाता है कि जिस तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम एक मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, कोई नए आते हैं, कोई पुराने होते हैं, हम जब जाते हैं हमें लोग वोट देते हैं, हमें किस बुनियाद पे देते हैं? डेवलपमेंट फंड्स की तरफ उन लोगों की तवज्जो बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों को ये टेक्निकल चीज़ें कहाँ कहाँ तक पहुँचाएंगे, किस तरह उनको समझाएंगे कि जो पहाड़ों में रहने वाले इतनी मुख्तसर वक्त में इसको जल्दी से उन लोगों तक, अपने आवाम तक डिलीवर कर सकें? क्योंकि आवाम को सवाल कहना करना हमसे है। देखो, दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक आप लोग बनाते हैं और एक मेंबर जो पार्लियामेंट होती है उसकी मंजूरी देती है। खामी किस चीज़ में होती है? खामी इस चीज़ में होती है कि PSDP जब बनती है तो कितने लोगों को इत्माद में लिया जाता है? PND बैठती है, फाइनेंस बैठती है, जो अहम डिपार्टमेंट्स इनके इश्यूज़ होते हैं वो यही दो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हल करते हैं। अभी आपने देखना होता है, आपने बताया, हमने लोगों ने देखा कि लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म्स होती है, मीडियम टर्म होती है। हमारे लोगों को शॉर्ट टर्म्स के प्लानिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वही चाहिए, और लॉन्ग टर्म्स वही होते हैं जिससे हमें ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, जो आपको रेट ऑफ रिटर्न दे। आप लोग क्या करते हैं? आप PND और फाइनेंस से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप कौन सी अपनी नौकरी, मैं देखो आप लोगों की इशारा मेरा मुजीब साहब या लालजान साहब या मेरे जो महफूज साहब है उनकी तरफ मेरा इशारा नहीं है। मेरा इशारा ये होता है कि आप हमें सही राह पे बता दें कि आप टेक्निकल लोग होते हैं, PND में बैठे हुए आप हमें सही रास्ता बता सकते हैं कि अभी ये फिजिबल है, इस प्रोजेक्ट्स को आप ले आएं जिससे आवाम पे हम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है उसको बेहतर तरीके से हम 2-3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। एक ऑफिसर अगर अपनी नौकरी के लिए मुझे सब्ज़ बाग दिखाते हैं, जी ज़मरा खान आप एग्रीकल्चर में मुझे ले आए, मैं आपको 2 साल में इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग दूंगा कि आपको सारे आवाम खुश हो जाएंगे, गलत है। अपनी नौकरी के लिए नहीं, अपनी कमाई या मुझे अपनी कमाई, मेरी भी गलतियाँ हैं, उसके लिए नहीं होना चाहिए। आपके टेक्निकल तरीके से अभी मेरी PSDP आ रही 19-20 की PSDP, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? अनअप्रूव्ड स्कीम होनी चाहिए या अप्रूव्ड स्कीम होनी चाहिए? कुछ जो हमारे बड़े स्कीम्स है, जिस तरह मैंने लॉन्ग टर्म्स की स्कीमात बताई, उसके लिए जनवरी से फरवरी में काम शुरू होना चाहिए। यह मेरी तजावीज़ है, मैं आपको दे रहा हूँ। जो हमारे मीडियम टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स हैं इसको आप अप्रैल से शुरू करें। आप इतनी ज़्यादा वो ना दें कि हम आप इसको ज़्यादातर हम अपने आप को कन्फ्यूज रखें। अभी हमें 18-19 में क्या दे रहे हो आप? आपकी प्रोसेस इतनी लेंथी है कि आपके पेपरा रूल्स को, आपके दूसरे टेंडर्स के प्रोसेस को आप 2-3 महीने में कुछ भी नहीं दे सकते हो। मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब, पहले ये होता था कि DC जब DSA जब होती थी, PDWP जब होती थी, उनसे एक अप्रूव्ड स्कीम हो जाती है। अब जब वो अप्रूव्ड हो गई तो उस पर फिर क्या पाबंदी है? उसको क्यों टेंडर पहले होते थे अभी पाबंदी लगाई? 15 साल आपने पेपरा रूल्स के तहत अपने उसको अपने साइट पर जो है वो अनलोड करना है, फिर उस पर इतराज़ात 15 दिन आएंगे, तो आपके 2 महीने में तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी गुजारिश ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब, आप बेहतर तरीके से जानते हो, आप बेहतर एजुकेटेड एक पर्सनालिटी हो इस सूबे के लिए, आप बेहतर तरीके से हर फील्ड में, आपने फेडरल में रहें, लेकिन यहाँ के आवाम को कुछ डिलीवर करना हमारी जिम्मेदारी है। वो आवामी नुमाइंदे से कुछ उनको चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको जो है हेल्थ चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको एग्रीकल्चर चाहिए, उनको लाइफ स्टॉक चाहिए। हर एक सेक्टर की सेक्टर है, कोई भी ऐसे सेक्टर नहीं है कि वो गलत सेक्टर है। कोई भी सेक्टर बताओ जो हमारी इंसानी ज़िंदगी से वो मुंसलिक ना हो। चाहे आपका एग्रीकल्चर ना हो तो आपका हेल्थ एजुकेशन आपका काम आएगा, आपका एजुकेशन ना हो तो आपको क्या, आपकी तो ज़िंदगी दहशतगर्दी की नज़र हो जाती है। हम लोग वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो दर पदर की ज़िंदगी। बलूचिस्तान अमीर सूबा है, यहाँ पे हमारे एक दोस्त ने कहा कि हम बहुत गरीब है, हम सबसे अमीर सूबा है, हम पाकिस्तान हम पे चल रहा है।
हमारे जितने भी कुदरती खजाने हैं, जितने भी हमारे सारे वसायल हैं, वो किसके पास है? 850-950 कोस्टल एरिया किसी के पास है पाकिस्तान में? हमारे पास है, हम चलाते हैं। लेकिन ये है कि हमारी पिछली गवर्नमेंट जो आई है, हमने सही पॉलिसियाँ नहीं बनाई है। हमें चाहिए, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन अपने हकूक़ के लिए हमें सौदा नहीं करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने ये एक्शन लिया हुआ है, सिपेक भी लिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि हमारे गैस की रॉयल्टी है, हमारी जो भी रॉयल्टी है, ग्वादर पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम नहीं चला सकते, फेडरल हमारे साथ कोऑपरेट करे, जेवी ज्वाइंट वेंचर्स बनाए और उसके तहत इस ग्वादर को चलाने की कोशिश करें, जिससे हमारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। हम तो तबाही की तरफ जा रहे हैं, ये हमारी सोच है। और इस सोच के तहत मैं मुख्तसरन, अभी मुझे चिट भी मिला सीएम साहब के भी, और जो है वो मसरूफियात होंगे। सीएम साहब, हमें ये चाहिए कि हम अपनी 1920 PSDP के लिए सोच लें और उस पर काम। ये ज़रूरी नहीं कि हम अभी जनवरी में शुरू करें, कोई फरवरी गुजर गई, मार्च भी सर हम हमारे PND और फिनांस बैठे हुए हैं। हमारे जो मैंगल साहब है, नूर मैंगल साहब, पता नहीं वो चले गए या किधर गए, उसने भी यहाँ पे फिनांस अभी उनके पास है, या जो हमारे नुलक साहब आए वो भी नहीं आए, हमारे SS साहब भी नहीं आए। सर आप एक काम करें, हम आपसे यही चाहते हैं कि हमारे लोग इस साल हमसे ये सवाल उठाएंगे कि जी आपने जो 9-10-11 महीने उठाए वो यहाँ पे गुजारे, आपने हमें क्या दिया। इस पे PND को सोचना चाहिए और एक ईजी रास्ता हमारे लिए 3 महीने में ढूंढ के, चाहे वो 1 करोड़ हम दे सकें, चाहे वो 5 करोड़ दे सके, चाहे 10 करोड़ दे सके, और बाकियों को जब आप सिलेंडर करोगे तो तब थ्रू फॉरवर्ड जाएगा। अगर आप खर्च नहीं करोगे, मैं इस स्टेज पे आपको कह रहा हूँ, आपके ये पैसे लैप्स हो जाएंगे। और लैप्स जो है इस स्टेज पे मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये फिर हमारे गवर्नमेंट की तरफ जो उंगली उठेगी, वह पहले हम अपने डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि आपने क्यों ये मौका दिया लोगों का कि हमारे पैसे जो ज़ाया हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, लैप्स क्यों हो गए। आपसे फेडरल सवाल करेगा कि आप तो पैसे खर्च नहीं कर सकते हो, आपने इतनी काबिलियत है ही नहीं कि आप पैसे खर्च करते हो, मैं आपको फिर अगले साल क्यों 80 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए दे दूँ या 90 अरब दे दूँ। उस 90 अरब में अभी हम 3 महीने में क्या करते हैं, इस पे आप सोच लें। और नेक्स्ट के लिए मैं सीएम साहब से ये तजवीज़ देता हूँ कि 15 अप्रैल से, अभी भी छोड़ दें आप, मार्च भी छोड़ दें आप, 15 अप्रैल से विद इन 130 डेज में हम न्यूज़ की मात ले लें और उसको PDWP के तहत या DAC के तहत हम उसको अप्रूव्ड स्कीम बनाए, PSDP की बुक का जो हिस्सा है उसको बना के लोगों के सामने पेश करें, तो तब हमारी जो स्पीड नेक्स्ट ईयर में जनवरी या जुलाई से शुरू होगी तो हम उस स्कीमों को कम्प्लीट कर सकेंगे। अगर अनअप्रूव्ड होंगी तो फिर 5 महीने हमें लगेंगे अप्रूव करने में, तो फिर किधर वक्त होगा हमारे पास, अभी तो हमारे पास वक्त नहीं है। तो काइंडली PND और फिनांस और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट में इस पे सोच लें और इस पे काम करें। महफूज अली खान साहब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे 3-4-5-10 मिनट का टाइम दिया। इस पे आप हमारे साथ रहें, आपके एक्सपीरियंस, आपकी जो तजर्बा है वो इस सुबह को चाहिए। और हमारे जितने भी नए जो टैलेंट हैं अभी बैठे हुए हैं, इन सब को जो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी बेहतरीन तरीके से दी, अगर ये प्रेजेंटेशन हमें अपने सोच में रख के आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी 5 साल गवर्नमेंट जो कामयाबी की तरफ जाएंगे और हम इस आवाम को कुछ दे सकेंगे। शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।